सेविका की नौकरी बचाने के लिए तमाम फर्जी महिला जिसको राशन देकर अपने पक्ष में, यानी कि अपनी नौकरी बचाने के लिए एक तरह से उन तमाम महिलाओं को घूस दिया गया, और घूस भी कोई बड़ा सा अमाउंट नहीं दिया गया, सिर्फ 2 किलो चावल, 250 ग्राम सोयाबीन और 0.5 किलो दाल, और महिला बिक गई। हम इसलिए बोल रहे हैं, घूस शब्द बोल रहे हैं या बिकने का शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि इस महिला जो आपको फोटो में नजर जो आ रही है सेविका, इनका नाम है आशा देवी, और ये मोदनगंज प्रखंड के नैमा पंचायत के वार्ड नंबर 9 की आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 22 की सेविका है। इनकी तमाम और इनके पक्ष में बोलने के लिए 5 से 7 महिलाओं को खूस दिया गया, सिर्फ 2 किलो चावल, और महिला बिक गई। जब मोदनगंज के सीडीपीओ और सुपरवाइजर पुष्पा कुमारी और सीडीपीओ जब पहुंचती है जांच में, तो इन तमाम महिलाओं को वहां पड़ी गवाह के रूप में खड़ा किया जाता है। साहब, अब मामला यहां तक नहीं रुका है। एक महिला, जिस महिला का नाम आप बता रहे हैं, ये महिला का जो आप फोटो आप देख रहे हैं, ये महिला को गौर से देखिए, ये महिला 11 नंबर है। जब इसकी जांच हम करने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करने के लिए उस केंद्र पर गया, तो पता चला कि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 22 से ये महिला भी राशन उठा रही है, और यही महिला आंगनबाड़ी केंद्र 21 से, जो उस सेंटर की सेविका पूनम देवी है, उस सेंटर पर से भी राशन उठा रही। लेकिन सच्चाई यह है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 21 का जो नाम जिक्र कर रहे हैं, और उसकी सेविका पूनम देवी जो है जेनमन, उस सेंटर पर इसके पोता का नाम अंकित है। लेकिन जब उस सेंटर पर इस महिला का पोते का नाम अंकित है, यहां रहता नहीं है कोई बच्चे, लेकिन फिर भी नाम अंकित है, नाम अंकित रहने के बाद भी अगर उस महिला उस सेंटर से पोषाहार उठा रही है, तो फिर जिस सेंटर पर और जिस वार्ड में नाम नहीं है, उस महिला को आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 22 की सेविका आशा देवी क्यों दे रही है? सिर्फ इसलिए कि उनका एक परिवार का एक सदस्य है, उनके ये गोतिया है, पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं होगा, खड़ा कर देते हैं महिला को। सुनिए इस महिला का, जो फर्जी दस फर्जी जो बोल रहा है कि हम 9 नंबर वार्ड के हैं, सुनिए क्या बोल। बताइए अपना डिटेल, बताइए। राजीव कुमार। कौन वार्ड के हैं? 9 वार्ड के। 9 वार्ड के हैं ना, चावल 9 वार्ड में ले रहे हैं। केंद्र संख्या 22 में आशा देवी के। हाँ, ठीक है। मोबाइल नंबर लिख लाए हैं? ठीक है, जोड़ देते हैं। और सच्चाई यह है कि जो महिला बता रही थी कि हम 9 नंबर वार्ड से हैं, और जो बोलने वाला जो बंधु व्यक्ति है, उस सेविका का बेटा है, जबरदस्ती बोलवाया जा रहा है कि आप बोलिए हम 9 नंबर के हैं। लेकिन सवाल उठता है, जब सेविका गलती कर रही है और इस ग्रुप में फोटो डाला जाता है जो ग्रुप सेविका का बना हुआ है, और उसमें सीडीपीओ, डीपीओ और डीएम साहब सबको रहते हैं, तो सवाल उठता है, एक ही महिला दो दो सेंटर से पोषाहार उठा रहा है और सीडीपीओ सुपरवाइजर को पता तकला नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मामला तो जरूर लगता है कि साहब इस सीडीपीओ मैडम जो भी हैं और सुपरवाइजर पुष्पा देवी, सब पैसे पर बिके हुए हैं। अगर पैसा नहीं लिए तो आज तक इस सेंटर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ?
उस लेटर में दर्शाया गया है सीडीपीओ और सुपरवाइजर ने, ये साफ तौर पर लिखा है जो मीडिया के द्वारा कवरेज किया गया और जो स्थिति को दिखाया गया उस स्थिति से 100% सही है। और उसमें जो मीडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया खबर सही साबित हुआ, ये हम नहीं इस सीडीपीओ और सुपरवाइजर मोदनगंज के लिख रही हैं। लेकिन फिर भी सुपरवाइजर और सीडीपीओ इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? किस चीज का दबाव आया? कितने पैसे में सीडीपीओ बिकी? अगर सीडीपीओ नहीं बिकी है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? और हम पैसा की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो 22 आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 22 की जो सेविका है आशा देवी, उसके देवर ने साफ तौर पर कह रहा है कि मोदनगंज के सीडीपीओ पैसा लेती है। ये हम नहीं, सीडीओ पर मैडम हम नहीं बोल रहे हैं, ये आशा देवी के देवर बोल रही है कि पैसा ऊपर के सीडीपीओ लेती है। कि मैडम आप देख लीजिए किस प्रकार से आप अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी केंद्र को सुधार रहे हैं और किस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्र में काम हो रहा है, जो आपके सामने आईने की तरह साफ नजर आ रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसे ऐसे फर्जी सेविका और फर्जी महिलाओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज।